हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन शेयर की। अभी ये शेयर आपको 3 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या अभी ये सही समय है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की, या अभी हमें और होल्ड करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे हम कि जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस में बाई कर रखा है तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो कितना इसको होल्ड करके चल सकते हैं, या आगे कितनी संभावना है कि ये अब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, अप ट्रेंड में जाएगा। क्या कोई कंपनी इसको बाई करने की सोच रही है, या ये इंसॉल्वेंसी कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जाने को तैयार है। इन सब बातों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों ऐसे जो पेनी शेयर हैं और जो क्वालिटी शेयर हैं उनकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ का हमें एक और फ़ायदा मिलता है कि दोस्तों, जिन शेयर्स की हमें जानकारी नहीं होती, ऐसी वीडियो के माध्यम से हमें उन शेयर की जानकारी मिलती है और एक रास्ता साफ होता है और कुछ फंडामेंटली जानने को मिलता है, बैलेंस शीट उसकी देखने को मिलती है और ये समझने को मिलता है कि इस शेयर के अंदर अभी एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। तो फ्रेंड्स, अगर इसका मार्केट कैप की बात करें तो उसका मार्केट कैप है 857 करोड़ का। इसकी फेस वैल्यू 500 रुपये की है। और अगर दोस्तों बुक वैल्यू की बात करें तो उसका जो बुक वैल्यू है वो -193 रुपये का है। दोस्तों, ये कंपनी ना ही GSM स्टेज में है और ना ही ASM स्टेज में है। अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करें तो 80% लोग इसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं और 20% लोग इसको सेल करने की सलाह दे रहे हैं। और अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ज़्यादातर जो हिस्सा है, जो इसके अंदर शेयर है, वो पब्लिक की है। बाकी इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है और DI की होल्डिंग भी इसमें बहुत कम है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 5% के आसपास बनी हुई है। और अगर DI की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि LIC का इसमें हिस्सेदारी है, जो कि 4.31% है। दोस्तों, ये कंपनी अनिल धीरूभाई अंबानी की है, जो कि अब लॉस मेकिंग कंपनी यानी एक पेनी शेयर बन के रह चुकी है। अगर आपको इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फ्रेंड्स, आप कम से कम या मिनिमम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कंपनी कभी भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर दे और ये कंपनी नीलामी की ओर चली जाए। तो आप इसके अंदर शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर चल सकते हैं। जैसे कि आपने 3 रुपये में बाइक किया इसको और 3.5 रुपये में इसको बेच दिया, शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। या दोस्तों, आप कोई और शेयर देख लें, यहाँ बहुत सारे पेनी शेयर हैं जिनकी वीडियो मैंने बना रखी है। और दोस्तों, जिन लोगों ने इसको हाई प्राइस पे बाई कर रखा होगा या जिनको बहुत बड़ा लॉस हो रहा होगा, तो फ्रेंड्स आप इस शेयर से दूरी बना के रखें, आप इसमें और इन्वेस्टमेंट ना करें। अब यह शेयर सिर्फ अपने न्यूज़ के दम पे चलेगा। अगर इसमें कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो फ्रेंड्स इसके अंदर अपर सके लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी इस शेयर को लॉन्ग टाइम के पर्पज से ना देखें। बाकी दोस्तों, आप खुद भी इसमें अध्ययन करें अपना, उसके बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, किसी और न्यूज़ के साथ। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।